मरियम नवाज सोहनी है भाजी, वेख लीए तो नींद नहीं आती करिए। अब तो जरते जरते बनता ले। जवानी बहुत अच्छी गुजरी है जी, जवानी जवानी होती है। लिखा है किस्मत में परदेश, तो वतन की याद क्या करना, जहाँ वो बेदर्द हाकम वहाँ फरियाद क्या करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमदोश अदनान है और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, वो अलग बात है कि उन पे कोई शक नहीं करता। आज हमारे साथ बहुत सारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, आज हम इनसे ये पूछेंगे कि आपकी जवानी कैसे गुजरी। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गुजरी है। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। मुलाजमत करते रहे हैं, अब रिटायरमेंट हो गई है, तो बड़े खुश बाश हैं हम इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो जवानी के कोई ऐसे किस्से बताएं जो जिस पे ऑडियंस बड़ा हंसे। जवानी में काफ़ी शुगर लगाते थे, बड़े फ्रेश रहते थे। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब है कि लगा जवानी का जो मरहला था वो भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कभी जवानी में आपको अपने वालिद साहब से मार पड़ी? होता था कई दफ़ा। कई दफ़ा? कई दफ़ा। कोई ऐसा वाकया बताएं जहाँ जिसमें ज़्यादा मार पड़ी हो। नहीं, हमारे वालिद साहब जो थे ना, वो बहुत धीमे मिजाज के थे, वैसे डांट लेते थे, मारा उसने मारा नहीं है उसे। हाँ, बहुत अपने आप को फ्रेश रखते थे, लेकिन ये है कि तलकीन ही करते रहे। आप जवानी में ज़्यादातर खेतों में भी जाते होंगे? बिल्कुल, अभी खेतों जो पिंडा दे विच होते आए हैं अभी। अच्छा, तो उसकी कोई कहानियाँ बताएं आप, कभी खेत में आपने क्या किया हो, क्या करते थे? खेत में जाते थे, सुबह स्कूल जाना था तो स्कूल से आके तो अपना खेत में जाते थे और वो अपना चारा वगैरह काट के लगाते थे, लाते थे, तो ला के तो अपना अपने माल डंगर को डालते थे। लेकिन बहुत अच्छा वक्त अपना वो भी गुजरा। तो जब उससे इधर आ गए लाहौर में तो वो उससे भी बेहतर होगा। अच्छा, तो खेत में कोई मिलता था या मिलती थी कोई ऐसा कोई? उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे, लोग सीधे साधे थे। अच्छा। अब तो जाते जाते बनता ले। ये हमारे साथ एक और है, सर आप बताएं आपकी जवानी कैसी गुजरी? जवानी बहुत अच्छी गुजरी है जी, जवानी जवानी होती है, बुढ़ापा बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा बुढ़ापा होता है। बचपन भी बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन वालदैन के ताबेदार रहे हैं, उनके खौफ से, उनकी इज्जत से हमारे, अगर हमारी को ख्वाहिश भी होती थी तो वो ख़त्म हो जाती थी। और आपको पता है कि जवानी जवानी होती है, जवानी जवानी होती है, बुढ़ापा बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा बुढ़ापा होता है। अच्छा, क्या ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसी चीज़ बताएं हमारी ऑडियंस को जो आप करना चाहते थे अपनी जवानी में लेकिन कर नहीं पाए, और क्या ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी कर ही नहीं पाए? पहली गलत है कि तालीम हासिल कर रहे हैं, ख्वाहिश थी कि इससे आगे जाते, लेकिन उस वक्त हालात यहो जहे सी कि वालदैन के नाल खेती बाड़ी करानी पड़ती थी, तो आगे नहीं जा सके, ख्वाहिश साड़ी पूरी नहीं हुई। अच्छा, पहली गलत हुई। तो कभी देहात वगैरह में घूमना फिरना बहुत होता? हाँ, माशाल्लाह देहाती ज़िंदगी ज़्यादा बचपन देहातों में गुजरा है, तो घूमना शूमना छट के जी माल मवेशी जो है वो भी संभालते थे, उनको खेतों में ले जाना, गर्मियाँ जब गर्मी का मौसम होता था बैर भैंसों को ले जाना, चराना, शुगल मेला दोस्ताना करना कराना, तो बहुत अच्छी जिंदगी। अच्छा, उस वक्त के दौर में आप भी सिग्नल लेने जाते थे या नहीं? नहीं नहीं, नहीं? सिग्नल्स लेने कोई वहाँ से किसी का सिग्नल आया, खत किसी को देने गए किसी? नहीं, नहीं, वो इंशाल्लाह इस मामले अल्लाह का बड़ा करम रहा कि तुम जिम्मे दसाया कि सब तो पहले तो वालदैन की इज्जत का एहसास होंगे सी, असि तो कि लगी जाती कुड़ी वाल देखते भी नहीं होंगे। अच्छा, इतना खौफ था? इन्ना खौफ सी, तो माशाल्लाह हमारे गाँव में हमारी इतनी इज्जत है कि आज भी जाकर कोई नाम ले तो अक्सर मुहावरा वो पेश करते हैं, फलाने के बच्चे तो यार कुड़ियाँ वगरे से। अच्छा, वाह जी वाह, तो अच्छी कह लो, ये अल्लाह का बड़ा करम रहा। तो कभी दिल नहीं करता था वालिद साहब से कहूँ कि मेरा भी ब्याह कर दो? नहीं, वो जब वक्त आया
बता रहा हूँ ना कि हमने वालदैन की इज्जत की खातर किसी वाले हक भर के नहीं देखा। अज कल बिलकुल गल थी बजाय अजकल बच्चे ऐसा ही करते हैं, लेकिन उस वक्त बड़ा हया होता था, बिल्कुल एक दूजे का एहतराम होता था। बुजुर्ग ऐसे इतना खेलने पे बुजुर्ग उतों निकला तो नस के साइड से हो जाना, यार बुजुर्ग आया जी। अजकल देखो एडे बच्चे वेखो वो थोड़े को सीधा हो जाता, मैं कितने खेलना जी, मतलब अजकल ये हो रहा। आप अपने आप को बुजुर्ग कहते हैं जवान कहते हैं? जवान कहते हैं, जवान कहते हैं। अभी आप बुजुर्ग नहीं? नहीं अभी नहीं। ये बाल सफेद खुद कलर से किए? नहीं नहीं, वैसे ही बस बुढ़ापे से आ गए। तो बुढ़ापा आ गया आप कह रहे हैं, जवान नहीं है। तो अभी भी जवान ना। दिल जवान होना चाहिए। तो आपकी जवानी कैसी गुजरी? शुक्र अल्लाह का भाजी, कोई तंगी नहीं, कोई अल्लाह को कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत अल्लाह का। अच्छा, मतलब बहुत ही सिग्नल आंदे सन। मरियम नवाज सोहनी है भाजी, वेख लीए तो नींद नहीं आती। ये करिए मरियम तुहानू लभी हो जवानी है? नहीं नहीं, एक ही मरियम लभी जो साढ़े ब्याह है ना, सानू लभ गई मजा। जिन्होंने हूँ भी आने मतलब बकरियां देखो ना भाजी, हूँ तो लोग बकरियों से क्या मुराद है आपका? क्योंकि सुखी पतली सू चंगी नहीं लगदियाँ हूँ भाजी। अच्छा, वह ही है जो अपनी बीवी अपने कोल है और गलत बुढ़ी ना कोई देन नहीं। पहले लोग होंगे कि कुड़ियां मुंडे कट्ठे खेलते थे, हूँ तो किसी के बूहे को खलोइए तो अगला गल पै जाता कि साड़ी बुढ़ी देखन डे। तो हाँ, आपको कोई मिली थी या नहीं? हाँ जी, लो जो थोड़ी लंघ जी बुढ़िया वेख दियाँ भाई राह राह वेख के कि लाओ सर। तो भाई ये चीज़ यो यो। नहीं भाजी, भावे असं बुढ़े हो गए पर दिल जवान साढ़ा, अज भी दिल जवान है, दिल जवान है। ये हंस रहे हैं ये जनाब भी। सर, आप अपने आप को बुजुर्ग तस्लीम करते हैं या? इंशाल्लाह बुजुर्ग, बुजुर्ग तस्लीम। बताएं आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, जवानी कैसे गुजरी? जवानी बहुत अच्छी गुजरी है। अच्छा माशाल्लाह, क्या किया जवानी? अल्हम्दुलिल्लाह, जवानी में यही होता है कि इंसान जो गांव में रहते हैं ना हमारे जैसे, दूध खा ले, घी खा ले, खाना अच्छा, तो फिर आदमी में जान भी होती है, तो फिर काम ही करता है। नहीं, ये तो जवानी है में कोई शरारत की कभी? नहीं, ऐसी कोई शरारत नहीं की। नहीं, कभी नहीं शरारत? नहीं, नहीं, नहीं। तो आप अपने? और नहीं नहीं, कीती की जरूरत नहीं, फिर करिए कीती की। अच्छा, आपने शरारत नहीं की? नहीं। लेकिन आप अपने बच्चों को शरारत करने पे डांटते हैं? जरूर डांटता हूँ। ये तो ना इंसाफी नहीं है? नहीं नहीं, कोई ना इंसाफी नहीं है, बाजरे के साथ चलना चाहिए। ये तो नहीं है कि जिसके देखे ना, आप सुबह से आए, अगर आपको बुलावा मिले तो कार के मुझे वैसे बड़ी मार पड़ती है, यकीन करें। पड़ती थी, पड़ती अभी भी है? नहीं नहीं, अभी नहीं पड़ती, क्योंकि अब आप जवान हो गए हो। नहीं, अभी भी मुझे पड़ती है, कभी भी थप्पड़ पड़ गया, कभी भी ऐसे अभी भी पड़ती है। गलती की वजह से पड़ती है ना, गलती ना करो तो फिर नहीं। समझाना चाहिए बच्चे को, उसके बाद मारना नहीं चाहिए। आपकी सर लव मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। क्यों, लव पे यकीन ही नहीं था? नहीं नहीं, क्योंकि दरअसल जो देहात होते हैं ना वहाँ पर लव मैरिज होती ही नहीं। बस तो ये जो छोरा छोरी चने के खेत में होते हैं, ये गाना था, इसको क्या कहेंगे? ये मेवाती जबान में छोरा छोरी होता है, पंजाबी में नहीं होता। अच्छा, आप यहाँ से आगे चले जाए ना मुल्तान से जाए तरफ, उधर छोरी छोरा नहीं है, ये बॉर्डर के साथ साथ छोरी छोरा है, ये छोरा छोरी इधर में हुआ। सर, आपकी जवानी कैसे गुजरी? बिल्कुल बड़ी ठीक ठाक गुजरी। आप ठीक ठाक? क्या पहाड़ पे चढ़ते थे? प्लेयर थे, कबड्डी खेलते थे। वो एक कबड्डी, ये तो सर कितने अपनी जिंदगी में अब तक कितने बंदों को धूल चटाई? मैं पूछ रहा हूँ, ये हुआ है हमारा, मैं 15-16 साल कबड्डी खेली। 15-16 साल कबड्डी मर्दों के साथ खेली है, लड़कियों के साथ? औरतों के साथ। एक दिन मैं साइकिल पे बैठ गया, बंदे वो हॉकी का मैच था, तो वो बंदा जरा सी जाए मगर बैठ गया ना मैं, तो वो जनाब आख लगा कितने चलिया, मैं यार इतने अपना वो जनरल जा आया है, तो वो नाल उत्थे जनाब कबड्डी हॉकी लड़कियां खेडियां वेखण चलिया, वो कहता मेरे साइकिल से उतर जा कहता मेरे से। वो मौलवी बंदा सी, मेरी दाड़ी दूड़ी कोई नहीं सी, मैं यार मैं हुण वेख, मैं यार मैं कह बैठा इनू कि उतर जा, मैं तो वेख के ही आऊँगा भाई। तो मैं लड़कियां देखे बड़े खुश हैं, लड़कियां सड़क आओ
लड़कियाँ बड़ी बड़ी सी की लड़कियाँ लड़की करिए उनसे। सर आपकी जवानी कैसी गुजरी सर? सही गुजरी है। सही मतलब क्या किया क्या नहीं किया? प्रदेश में रहा हूँ माशाल्लाह, कराची में। अच्छा, 13 साल कराची में रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, लिखा है किस्मत में प्रदेश तो वतन की याद क्या करना, जहाँ वो बेदर्द हाकम वहाँ फरियाद क्या करना। आए, 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 क्या बात कही है। अच्छा, जवानी में शरारतें तो बड़ी की होंगी आप, कंचे खेले थे? नहीं नहीं, कंचे नहीं। गुल्ली डंडा? हमने बाजू पकड़ा। बाजू पकड़ा? अच्छा, वाह जी वाह। तो अंकल जी आप कहाँ तक पढ़े में? कुछ नहीं पढ़े, अंगूठा टेक। अच्छा, देखें आजकल के जो बच्चे हैं वो PhD करते हैं, MPhil कर लेते हैं, लेकिन फर्मा बरदार नहीं होते। ये अंकल देखें कुछ नहीं पढ़े लेकिन फर्मा बरदार ज़रूर है। कैसे हैं बुजुर्गों, ठीक हैं? ठीक है। जवानी कैसी गुजरी? जवानी ठीक गुजरी है। कोई शरारतें वगैरह की? जो कर चुके हैं ये तो बड़ी शरारतों वाली जवानी गुजरी है। अच्छा, कभी मार शार पड़ी? वो आप जी जरूरत तो भी वध पई, काम भी कीता ते मार भी जरूरत से भी ज्यादा ज्यादा इंदे। अच्छा, गलत गल नहीं करांगा। अच्छा, कोई कहानी तो सुनाए, कोई ऐसी कोई अपनी जवानी का किस्सा जिस पे शुगर लगा हो बहुत ज्यादा, कोई वाकया दोस्तों के साथ? नहीं, दोस्तों के साथ सारियां शरारतां करी दियां सी, केड़ी नहीं करी दियां मैं कहिए। अच्छा, तो बताए ना वाकया तो बताए। ब्याह तो पहले बड़ा कुछ कीता, जो ब्याह हो गया ना उदो सारियां शरारतां छड़ दित्तियां, सीधी गल है। ए ते बस दुख वाली दास्तां हो गई। नहीं नहीं, दुख वाली गल ही। अच्छा, खुश हो? पहले बंदा हरे गया, आज कल दे बच्चे की करते हैं? अच्छा, अज कल देने वो दौर विच काम नहीं हैगा सी, ओहो जे दौड़ ना आने ने ते ना ही आ सकते आ। ते कदी कोई ट्राई भी नहीं कीती किदे उते? ओ तां दसो बड़ा कुछ कीता आपदी जिंदगी तो पहलो। पढ़ाई छड़ाई ना करन ते भी मार? नहीं नहीं, पढ़ाई जो करनी नहीं सी, मार उदो पैंदी नहीं जदों कहता पढ़ना ही नहीं। नहीं पढ़े ए नहीं माँ प्यो दा कसूर साडा आपदा, जेड़े नहीं पढ़े गए उन्होंने आपदी कोशिश की पढ़ाउण दी। ए ते नसीब आप दे बंदा जेड़े पासे मर्जी लै जाए, उन्होंने पढ़न घलना आप क्यादा मारना नेफे च बैंटे पाने जेल च जाके। अभी कबूले रोड से खेडना, आरफ वाले कबूला रोड जाता, बड़ा कुछ किया। लड़ाइया शड़ाइया कितनी कदी किन्नू किसी नु फड़या फड़ के कुटिया? मैं कहना भाजी असी जिथे खलोजदा जी ना आपदे शायद किसी मुंडे जुट नहीं होंगी, उतो कुड़िया लंघ दया हो तो उत्थे खलो जान, ये अपना सूर स्कूल के टाइम तो नहीं खलोन देना। ये तो सही कबड्डी चैंपियन। सही, द अवार्ड गोज टू सर। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ शाह साहब को जो है अवार्ड मिल गया आज तो। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी जवानी कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी, मेहनत मशक्कत में गुजरी है। अच्छा माशाल्लाह, और अभी तक भी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो चलती रहती है। आपको शरारतें तो की होंगी आपने? हाँ, बचपन में तो होता ही है, स्कूल जाते वक्त बस खड़ी नहीं किसी ने की तो फिर लड़ाई झगड़ा कर लेते थे। तो कभी मार पिटी? हाँ, पापा से मार पड़ी थी स्कूल ना जाने की वजह से। अच्छा सर, ये बताएं आप तो बड़े हसमुख आदमी हैं, बड़े मेहनत भी की आपने, पापा से मार भी खाई, तो कभी खेतों में सिग्नल जाके लिए आपने? नहीं सर, गाँव के माहौल में उस वक्त ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ शहर में ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है यहाँ। तो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरेंज है। लव में पड़े ही नहीं या किसी ने लिफ्ट नहीं कराई? जरूरत नहीं पड़ी। ये थे हमारे पाकिस्तानी बुजुर्ग, हमने इनसे जाना कि आपकी जवानी कैसे गुजरी। सब अंदर खाते ना बड़े, सब ने पंगे शंगे किए, लेकिन कुछ अच्छे जवाब भी थे, कुछ मोटिवेशनल बातें भी थीं। तो अगर आपकी जवानी अच्छी गुजरी है, बुरी गुजरी है, कैसी गुजरी है, तो ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।